अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल जैनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स। हियर आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग मास्टर और बीएस इन इंग्लिश कैन सीक हेल्प। आवर टुडेज कोर्स इज ग्रामर इंग्लिश टू एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट द टॉपिक एडजेक्टिव एंड वर्ब एंड इट्स काइंड। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको किसी और टॉपिक की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में वही टॉपिक मिलेगा। जैनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स लिटरेचर इन पाकिस्तान, नाउ आई एम गोना स्टार्ट द टॉपिक। वर्ब, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। वर्ब एक ऐसा लफज है, यानी कि लफज है जो किसी चीज़ और शख्स के लिए बारे में इस्तेमाल होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन सेंटेंस एज देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट इट। और कोई भी ऐसा और एक इम्पोर्टेंट चीज़ इस सेंटेंस के बारे में कि कोई भी इस सेंटेंस इसके बगैर समझा नहीं जा सकता, कम्प्लीट नहीं है। काइंड ऑफ वर्ब्स, ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। फर्स्ट, ट्रांसिटिव वर्ब। अ वर्ब इज दैट डज नॉट कन्वे कम्प्लीट सेंस विद इट्स सब्जेक्ट। एक ऐसा वर्ब जो हमें कंप्लीट सेंस ना दे सब्जेक्ट के साथ, बट इट नीड्स इट्स ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत हो इसे समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, वी ईट राइस, ईट ऑब्जेक्ट। ही किल्स अ स्नेक, किल्स ऑब्जेक्ट। इंट्रांसिटिव वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अ वर्ब डैट कन्वेज कम्प्लीट सेंस विद इट्स सब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब, इसे ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, सब्जेक्ट के साथ ही इसकी कम्प्लीट सेंस हमें, यानी कि कम्प्लीट फिक्रे की समझ आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रिवर्स फ्लो, दरिया बहता है। अब फ्लो सब्जेक्ट, विंड ब्लो ब्लो सब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म, एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। अ हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स अ प्रिंसिपल वर्ब टू फॉर्म अ टेंस। एक ऐसा वर्ब जो हमारी हेल्प करता है एज अ प्रिंसिपल वर्ब के तौर पर एक टेंस की शक्ल में। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब भी कहलाता है। फॉर एग्जांपल, शी इज राइटिंग अ लेटर इज हेल्पिंग वर्ब, टेंस की फॉर्म में है। शी विल सिंग अ सॉन्ग, विल हेल्पिंग वर्ब। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, लिंकिंग वर्ब। अ वर्ब सच एज बी और बिकम that connect with subject with the adjective or noun that describes it. Be or become linking verb हैं, जो subject के साथ एक adjective और noun के तौर पर describe किए जाते हैं और connect होते हैं। For example, she became angry. In this sentence, the word became is a linking verb. Common linking verbs are be, seem, appear, look, sound, smell, taste, feel, get. गाइस, ये था आज का टॉपिक वर्ब एंड इट्स काइंड। किसी और टॉपिक की जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको वही टॉपिक मिलेगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।